आपके मार्गदर्शन में हम और आगे की तरफ चलेंगे और ये संस्था और अग्रसर होगी और ज्यादा हम प्रोग्रेस करेंगे। हम बहुत ज्यादा आभारी हैं माननीय कुलपति महोदय के, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर इस संगोष्ठी में अपने आशीर्वचन देने के लिए उन्होंने यहाँ पर इस संगोष्ठी में पधारे हैं। इस समय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं और वो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस संगोष्ठी में शरीक होने के लिए उन्होंने हाँ की। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं उन्हें उनके अभिषेकात्मक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ और माननीय कुलपति महोदय आपको मैं आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। हेलो, आवाज आ रही सुनीता जी? आ रही है सर। गवर्नमेंट जीडी कॉलेज फॉर वुमेन्स अलवर द्वारा आयोजित इस बहुत ही समसामयिक विषय, जो आजकल केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, जिससे सब लोग त्रस्त भी हैं और उभरने का प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसे विषय पर महाविद्यालय ने ये वेबिनार आयोजित की। मैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरजी मीणा साहब का को धन्यवाद दूंगा और उनकी संपूर्ण टीम, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं परीक्षा के दौरान उनके कॉलेज का विजिट करने गया, पहले भी गया। एक बहुत ही अच्छा गर्ल्स कॉलेज, जिसमें बड़ी तादाद में लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं अलवर जिले की और आसपास की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का एक सरकारी कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इस गोष्ठी की कन्वीनर आईक्यू एसी सेल की भी कन्वीनर हैं और इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी हैं डॉक्टर सुनीता यादव जी, डॉक्टर रचना अशोपा जी जो मेंबर हैं आईक्यू एसी सेल की और केमिस्ट्री की एचओडी हैं, महाविद्यालय का सभी शिक्षक साथीगण, महाविद्यालय परिवार के सभी सहयोगी बंधुओं। इस वेबिनार में आज अतिथि के रूप में जुड़े हुए डॉक्टर अरविंद एम नेवले जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कुसुम आर यादव एचओडी आरएच पटेल बीएड कॉलेज गांधीनगर, डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी एचओडी ज्योग्राफी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर और बहुत सारे टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। मैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इस एकेडमिक और रिसर्च से जुड़े इस प्रोग्राम में सब लोग भागीदार हो रहे हैं। मैं कॉलेज का आभारी हूं और सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने अपनी सहमति इस वेबिनार में अपने विचार रखने को दी है, जिसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और सहयोगी बंधुओं को मिल सकेगा। साथियों, आप हम सब उच्च शिक्षा से जुड़े हैं। आप सबको पता है कि लगभग 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अपन ने शुरू कर दी थी और अचानक एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में इस तरह से फैल गई, लॉकडाउन लगाना पड़ा लंबे समय तक, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, परीक्षाएं बंद करनी पड़ी, बाजार बंद करने पड़े, आवागमन के साधन बंद करने पड़े, काम धंधे बंद हो गए, मजदूरों का जो हाल हुआ हमने मीडिया के माध्यम से देखा, हर एक आदमी परेशान था, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे कोई व्यापार धंधा हो, चाहे आम आदमी हो। और पूरी दुनिया के जो समाचार आ रहे थे कि बड़े बड़े जो अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र समझते हैं, हेल्थ
के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हालात भी बहुत खराब हो गई, असर हमारे पे भी हुआ, हमें भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर अनलॉक शुरू किया, धीरे धीरे कुछ सेवाएं शुरू करी, क्लासेज का अपना जो व्यवधान आ गया था वो आप हम सब ने ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से स्टूडेंट्स तक अपने कंटेंट पहुंचाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से जब कोई नई व्यवस्था आती है कुछ व्यवधान आते हैं, हायर एजुकेशन हो चाहे लोअर एजुकेशन हो, छोटी क्लास के बच्चे हो चाहे बड़ी क्लास के बच्चे हो, करना है आदम जाए कितने भी विकसित हो जाए तो स्टूडेंट्स को आमने का संवाद है उसका कोई मुकाबला नहीं, टीचर का कोई विकल्प हो नहीं सकता। दुनिया में सारा ज्ञान हर तरह के माध्यम से अवेलेबल है, लेकिन बिना टीचर के उसको इफेक्टिव तरीके से तक स्टूडेंट तक नहीं पहुंचाया। मेरा स्पष्ट मत है और मेरा अनुभव भी है और मैंने व्यवहारिक रूप से भी देखा है। इस संकट के समय शिक्षक साथियों ने ऑनलाइन टीचिंग के सहारे से स्टूडेंट्स को जो बचा हुआ कोर्स था वो पूरा कराने का प्रयास किया। हालांकि परीक्षाएं बंद हो गई, परीक्षाओं के लिए बड़ी बहस पूरे देश में चलती रही, परीक्षाएं कराई जाएं या प्रमोट कर दिए जाएं या क्या क्या विकल्प हों, यूजीसी के भी डायरेक्शन आए, सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन आए, राज्य सरकारों के भी डायरेक्शन आए, कई सरकारों ने जो भी आंतरिक मूल्यांकन के तरीके थे उनके बेस पे प्रमोट करने की भी बात करी, कई राज्य सरकारों ने घर पे बैठ के परीक्षा देने की सुविधाएं भी दी। राजस्थान में भी हमारी 21 तारीख से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन हम परीक्षा को परीक्षा के तरीके से ही करा रहे हैं, घर पे बैठ के परीक्षा देने की अनुमति हमने नहीं दी है, उसी तरह से परीक्षा जैसे पहले होती थी। और इसके लिए हमने विद्यार्थियों को बिल्कुल सुरक्षित रखते हुए, टीचर्स और इन्विजिलेटर्स को और स्टाफ को सुरक्षित रखते हुए सारे सैनिटाइजेशन और जो जो भी प्रयोग हो सकते थे, जो जो भी गाइडलाइन और डायरेक्शन थे, उन सब की पालना करते हुए विद्यार्थी को निश्चिंत होकर के परीक्षा देने का एक वातावरण प्रयास किया कि ऐसा वातावरण उनको मिले। हमने एग्जामिनेशन सेंटर्स बढ़ाए, स्टूडेंट के बीच की दूरी को बढ़ाई, उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करी। और इस घड़ी में हमारे सारे टीचर्स मिलकर के इस परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से करने के प्रयास कर रहे हैं, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी। परेशानी हुई, हमने स्टूडेंट्स का 3 घंटे के टाइम को 2 घंटे कर दिया, 5 क्वेश्चन करने के बजाय कोई से 3 प्रश्न करने की उनको छूट दी ताकि इस संकट की घड़ी में वो आराम से अपनी परीक्षा दे पाए। ये सब चल रहा है। मैं लंबे समय तक राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर रहा, उससे पहले शुरू के 4-4.5 साल में गवर्नमेंट कॉलेज में रहा। मेरा ये मानना है कि टीचर्स के बीच गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक एनवायरनमेंट का बड़ा भेद मैंने देखा, साधन सुविधाओं की में फर्क देखा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं। मैं बार बार जब से मैंने कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, 1-1.5 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया वो अलग बात है, लेकिन मैंने प्रयास किया, मेरी इच्छा थी कि सभी कॉलेजेज में विभिन्न विषयों पर सेमिनार हो, सेमिनार नहीं हो पाई तो वेबिनार हो। वेबिनार का एक फायदा यह है कि आज गांधीनगर की बहन हमारे साथ बैठी हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं, सीकर वाले वहां परीक्षा का काम देखते हुए भी हमारे साथ बैठे हैं, मैं विश्वविद्यालय के ऑफिस में बैठा हुआ इस वेबिनार से आप सबसे जुड़ रहा हूँ। कितना साधन और सुविधाएं बच गई, एक बार इकट्ठा होना, समय की कमी, और मीणा जी के और सुमन जी के खर्चा बच गया, न अपन चाय पी रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न उनके कोई टीए डीए लग रहा है, और
पूरी पालना, और दूर दूर बैठे हैं इसलिए कोई कोविड की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वेबिनार इतना सरल माध्यम हो गया आजकल। शुरू में ही सोचते थे कैसे जुड़ेंगे, कैसे होगा, लेकिन जब कोई समस्या आती है उसका समाधान भी निकलता है और बड़ा सहज तरीके से अपन जुड़ जाते हैं। पिछले इन 6 महीने में मैं बहुत सारी नेशनल, इंटरनेशनल और हमारे गवर्नर साहब से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से, प्रशासन से, बहुत सारे माध्यमों से वेबिनार में बहुत सारे डिस्कशंस परीक्षाओं के बारे में और ये सब हुए। तो ये बड़ा सहज और सरल उपाय। वाइस चांसलर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती थी ऑल इंडिया की, वो भी ऑनलाइन हुई, उसको भी हमने अटेंड की बिना खर्चे और बिना। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, सारे गवर्नर्स, केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और सब लोग और सारे कुलपति जुड़े थे, बिना किसी खर्चे के आराम से सबकी एक अच्छी गोष्ठी हुई दिन भर की और बहुत सारी बातें सामने आई। तो ये कोविड के कारण ही हो पाया। कोविड नहीं आता तो अपन ये इस तरह की वेबिनार नहीं करके सेमिनार ही करते और उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं करने में खर्चा भी होता, कई लोग आ भी नहीं पाते और कई दिक्कतें होती। ये एक अच्छा पहलू रहा। एक अच्छा पहलू ये भी रहा कि हमारे स्टूडेंट धीरे धीरे इस ऑनलाइन सिस्टम को समझने लग गए, जुड़ने लग गए। एक बहुत अच्छी बात ये भी रही कि जो भारतीय संस्कृति की जो अच्छी चीजें थी, घर का खाना, खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोना, लोग तो भूल ही गए थे मॉडर्नाइजेशन में कि हाथ ही धो लिया तो फिर मॉडर्न नहीं रह जाएंगे, खड़े खड़े खाओ और अपना जो है हाथ वाथ धोने की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम में बदलाव आया और वही पुराना सिस्टम हमें याद है जब हम छोटे थे, जूते बाहर खोल के आए, हाथ मुंह अच्छी तरह धोएं, उसके बाद खाना खाएं, खाने के बाद फिर हाथ अच्छी तरह से धोएं। ये सब मजबूरी में ही सही वापस परिवारों में चालू हुआ। बहुत सारे अनावश्यक खर्चे, सप्ताह में एक दिन, शुरू शुरू में महीने में एक दिन परिवार बाहर खाना खाने जाएगा, फिर बच्चों के दबाव में वो 15 दिन में एक दिन हुआ, फिर 7 दिन में एक दिन हुआ, और कई परिवारों में तो 7 दिन में 2 दिन भी हो गया कि बाहर का खाना खाना, कितना सारा खर्चा। कभी कभार की बात तो अलग है, लेकिन ये अनावश्यक खर्चा था, ये बचा। और बहुत सारे अनावश्यक खरीदारी, जींस की सेल लग रही है, बच्चे चार चार पांच पांच जींस खरीद के ला रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, कितने सारे जूतों की जोड़ी खरीद रहे हैं, तरह तरह की साड़ियां खरीदी जा रही हैं, ये बिल्कुल कम हो गई। हालांकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, इससे इफेक्टिव डिमांड जरूर कम हो गई, लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत जैसे देश में, जहां एक तरफ लोगों को, मुझे गांधी जी याद आते हैं कि इतने अच्छे घर में सूट बूट वाले गांधी जी एकदम अपनी लंगोटी में आ गए, इसलिए कि समाज के बड़ी तादाद में लोगों को जब पर्याप्त कपड़े नहीं मिल रहे हैं, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो हमें भी चाहिए कि खाने का वेस्टेज नहीं करें, अनावश्यक रूप से कपड़ों का वेस्टेज नहीं करें, और जरूरत की चीज को अपन उतना ही कंज्यूम करें जो बहुत जरूरी हो, और बाकी दूसरों के लिए उसको छोड़ें ताकि अनावश्यक डिमांड बनके उनकी रेट नहीं बढ़े। तो इस दिशा में भी एक अच्छा काम हुआ कि बहुत सारे अनावश्यक खर्चे बच गए। एक प्रॉब्लम जो इससे रही कि हमारा आपस में जो भारतीय संस्कृति में मेल जोल था वो खत्म हो गया। यूं लगने लग गया कि जैसे भारत में भी अमेरिकी संस्कृति आ गई, जहां बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिलने नहीं जाता है, घर परिवार का मेंबर भी, रिश्तेदार भी। अपने यहाँ तो अपन सहजता से हर किसी के कभी भी जा सकते हैं, अपन को भी अच्छा लगता है, अगले को भी अच्छा लगता है, लेकिन इस कोरोना ने इस माहौल को खराब कर दिया। जैसे ही घर की घंटी बजती है सबको यूं लगता है कौन आ गए, और फिर देखते हैं मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है, कहीं कोरोना तो नहीं आ जाएगा, इस तरह का भय जरूर हुआ। घर में परिवार के लोग एक साथ रहे, अच्छा माहौल घर में हो गया, लेकिन ये 6 महीने होने के बाद अब सारी स्थितियां इस तरह की होने लगी कि आखिर ये कब तक। अभी भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मजबूरी में परीक्षाएं करा रहे हैं, अभी वातावरण इतना अच्छा नहीं हुआ, शुरू में तो उससे धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा है, लेकिन अब अपन ने ये सोच लिया कि अब इस कोरोना के इस माहौल के साथ रहना है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाएगा, जब तक ये रुकेगा नहीं, तब तक इसी माहौल में रहना है,
क्योंकि अगर कब तक काम बंद रखेंगे, अगर ऑफिस में नहीं जाएंगे, अगर पब्लिक के काम नहीं होंगे, अगर दुकानें नहीं खुलेंगी, अगर इंडस्ट्री नहीं खुलेंगी, अगर खेतीबाड़ी नहीं होगी, अगर दूसरे काम नहीं होंगे, तो लोगों के रोजगार का क्या होगा, कैसे इकोनॉमी चलेगी, खाने पीने की चीजों का क्या होगा। निश्चित रूप से अब सबको मजबूर होकर के बहुत सारे एहतियात बरतते हुए इन सब चीजों को शुरुआत करी है और जो करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। अपन हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों ने भी शिक्षा की भी बात करी है, परीक्षा की भी बात कर रहे हैं। अभी यूजीसी ने भी कहा है कि 1 नवंबर से हमारा सत्र शुरू हो जाएगा। कुछ दिक्कतें जरूर हैं। मेरा ये मानना है कि खासतौर से गवर्नमेंट सेक्टर, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छी फीस लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों के बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं, उनको लैपटॉप उनके पास होता है, उनको पूरे सारे उनके क्लासरूम बहुत अच्छे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, वो ऑनलाइन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जिन स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, उनमें इस तरह की टेक्निक अभी है नहीं, कई जगह इंटरनेट का कनेक्शन ठीक से काम नहीं करता है, और मुझे कई बार बड़ा कष्ट होता है कि गरीब परिवार के बच्चे, मैं खुद भी एक साधारण किसान परिवार से आता हूं, किस मजबूरियों में घर वालों ने मुझे पढ़ा लिखा करके भेजा, वो मुझे अच्छी तरह याद है। सारी शिक्षा सरकारी स्कूल और कॉलेजों में, जहां मात्र 2, 5, 10, 20 रुपए की फीस लगती थी, स्कॉलरशिप भी मिल जाया करती थी, और उससे हम पढ़ लिख करके हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके, और साधारण परिवार के होते हुए भी घर वालों की इस दूरगामी सोच कि उन्होंने चाहे कर्ज लेना पड़ा, लेकिन हमको पढ़ाया लिखाया और आज हायर एजुकेशन के उस हाईएस्ट पोजीशन पे हम आ पाए हैं। मुझे कई बार बड़ा कष्ट होता है कि अगर इन सारी चीजों में जो गांव का गरीब है, गरीब परिवार के जो होनहार विद्यार्थी हैं, वो कैसे आगे बढ़ पाए। पिछले दिनों जब प्राइवेट स्कूल्स खूब ज्यादा खुली, प्राइवेट कॉलेज भी खूब खुले, खूब सारे इंस्टीट्यूशन भी खुले, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा प्रयास था, खासतौर से महिला शिक्षा को बढ़ाने का तो बहुत ही सराहनीय प्रयास। गांव में स्कूल, गांव में कॉलेज हो गई तो बच्चियां यूजी पीजी तक की पढ़ाई कर लेती हैं, जो पहले जा ही नहीं पाती थी, या 5वीं 8वीं तक पढ़ करके उनको मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ता था, अब वो हायर एजुकेशन पा लेती है, तो एक अच्छी बात। लेकिन सरकारी स्कूल कॉलेजों में तो ठीक है कि नॉमिनल फीस लगती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों की फीस ज्यादा है, और जो गरीब परिवार हैं वो कैसे उनको इतनी सारी फीस की भरपाई कर पाते हैं। मैं जब मेरे पुराने दिनों को याद करता हूं तो याद आता है कि उनके सामने बड़ी समस्या है। इंग्लिश स्कूल के नाम पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, वो टीचर जो सरकारी स्कूल में नहीं आ पाए वो वहाँ टीचर बन गए, लेकिन वहाँ ये ड्रेस कोड होगा, ये टाई होगी, ये जूते होंगे, इस तरह का बैग होगा, बच्चे इस तरह से उसमें मिनी बस में, जीप में और बस में जाएंगे। घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगता था कि वाह, अपने बच्चों को क्या स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिल रही है। ये बात ठीक है कि वो कुछ अंग्रेजी सीख रहे हैं, वो सब सीख रहे हैं, वो अलग इशू है, लेकिन जो उनके चार्जेज हैं वो आम आदमी के लिए देना बड़ा मुश्किल काम है। किन परिस्थितियों में जब ये रोजगार खत्म हो गए, रोजगार के साधन कम रहे हैं, कैसे वो ये सब फीस दे पाएंगे, ये एक बड़ा संकट का इशू। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा, एक दिन तक मेरे सिर में बहुत दर्द रहा और मुझे बड़ी वेदना हुई। मैंने पेपर में पढ़ा कि साउथ की एक बच्ची ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि वो स्कूल में पढ़ती थी और ऑनलाइन क्लास के लिए उसको स्मार्टफोन उसके पिताजी नहीं दे दिला पाए मजबूरी, और उसने भावुक होकर के आत्महत्या। मेरा मानना यह है कि भारत देश में अभी भी बड़ी तादाद में लोग साधारण परिवेश के हैं, गरीब परिवारों के हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उनकी इनकम ज्यादा नहीं है, तो जिस घर में 2 या 3 बच्चे हैं वो 2 या 3 स्मार्टफोन उनको कैसे अवेलेबल करा पाएंगे ऑनलाइन कक्षा के लिए। और प्राइवेट स्कूलों में इनमें बड़ी बड़ी अच्छी हायर एजुकेशन के लिए इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे। धीरे धीरे नए एजुकेशन पॉलिसी में भी आया है कि अच्छे प्राइवेट स्कूल होंगे,
कहने को ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा लाभ नहीं कमाएंगे, लेकिन मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति बिना लाभ कमाए सेवा की भावना से कितने दिन तक स्कूल कॉलेज चलाएगा? लंबे समय तक नहीं चल सकता। निश्चित रूप से वो चार्ज करेगा, चार्ज करेगा तो फिर गरीब आदमी कहाँ से दे पाएगा? सरकार उनको कितनी स्कॉलरशिप दे पाएगी, कितनी सब्सिडी दे पाएगी, बहुत मुश्किल काम है। सरकारों के भी रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो गए, कोरोना के कारण बड़ी स्थितियां खराब हो गई, सरकारों के सामने वेतन देने में संकट आने लग गया है, सारे विकास के काम एक तरह से रुक गए हैं, सरकारी इनकम बहुत कम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये अर्थव्यवस्था वापस गति पर आएगी? और अपन सब जो ये ऑनलाइन क्लासेज ये सब कर रहे हैं, लंबे समय तक इससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जो आमने सामने टीचर और स्टूडेंट के बीच के क्लासरूम के रिलेशन से और बातों से उससे होता है। लेकिन चूंकि मजबूरी है, इसलिए अपन को कुछ समय के लिए इसी के साथ जीना है, इन सब चीजों को अच्छी तरह सीखना है और कुछ व्यवहारिक बनना है। जो हमारे साथी, मेरा ये मानना है कि जिनकी उम्र टीचर्स की 50 साल या उससे ऊपर हो गई, वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, वो इस सिस्टम को, उनको बड़ा अटपटा लगता है कि कैसे इस सिस्टम से जुड़े। नए लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, नए लोगों का अभी सेवा का टाइम भी बहुत है, उनको तो ये सब सिस्टम सीखना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं, जिनके 2 साल हैं, 5 साल हैं, वो अभी भी इस सिस्टम के साथ ठीक से घुल मिल नहीं पाए और इफेक्टिवली वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी प्रॉब्लम हो रही। कोशिश ये करने की जरूरत है कि सभी शिक्षण संस्थाओं को अपने ऐसे साथियों को ट्रेन करने की जरूरत है कि उनको इस पूरी नई टेक्निक, ऑनलाइन टेक्निक से अच्छी तरह से उनको समझाया जाए, ताकि वो इसके फ्रेंडली हो सके और स्टूडेंट्स को लाभ दे सके। एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि दूर दराज में जहाँ कनेक्टिविटी पुअर है, जहाँ नेट ठीक से नहीं पकड़ता है, कई बार जुड़ने में प्रॉब्लम आती है, ऐसे एरिया के स्टूडेंट्स के लिए भी अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जब भी इस तरह की वेबिनार में भागीदार होता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं कि ये जो नई टेक्निक है अच्छी है, जरूरत है, समय के हिसाब से अपन को इसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन खोज इस तरह की होनी चाहिए कि ये सहज हो, आम आदमी की पहुंच में हो। जैसे शुरू शुरू में मोबाइल आए बहुत महंगे थे, अब खूब सारे हो गए तो सस्ते हो गए, इसी तरह से अब इस टेक्निक के जो भी नए नए तरीके हैं वो सस्ते हों, सरल हों, सहज हों, जिसको एक आम आदमी इजीली समझ पाए, एक आम स्टूडेंट उसका ठीक से लाभ ले पाए, इसके लिए अपन को इफेक्टिवली देखने की जरूरत है। जब हायर एजुकेशन पे एक दिन बात हो रही थी तो मेरा सुझाव उस दिन भी यही था कि हायर एजुकेशन में जब भी पॉलिसी बनी बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। मुझे याद आ रहा है कोठारी कमीशन ने भी कहा था कि एजुकेशन पे 6% GDP का खर्च होना चाहिए, आज इस नई नीति में भी यही बात कही, आप 50-55 साल बाद फिर वही बात कह रहे हैं, और ये कब 6% होगा, ये अब देखो समय की बात है। कैसे, किस तरह से ये सब चीजें अपन करेंगे, कैसे उनको प्रोफेशनल एजुकेशन दे पाएंगे, जॉब ओरिएंटेड कैसे ट्रेन करेंगे, टीचर के स्वाभिमान को कैसे वापस लौटाएंगे जब उनको दुनिया भर के कामों में लगा रहे हो, कभी जनगणना करने में, कभी खाना बंटवाने में, कभी और कुछ काम करने में, तो टीचर टीचर का काम कब करेगा, उसको सम्मान कब मिलेगा? जो टीचर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है समाज के विकास के लिए, टीचर का सम्मान और टीचर का डेडिकेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना समाज ठीक नहीं हो सकता, मेरा ये दृढ़ मानना है। निश्चित रूप से टीचर को सम्मान देना, टीचर को वो सब फैसिलिटीज देना कि लोग सोसाइटी में उनको आदर की दृष्टि से जैसे देखते थे वैसे देखें, भविष्य में भी देखें, और वो टीचर अपने पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी शिक्षा को देने में पूरा अपना मेहनत से काम करें, ये सब बहुत जरूरी है। तो कोविड के इस पीरियड में हमें इन सब संकटों के रहते हुए भी जो भी सुविधाएं, जो भी तरीके, जो भी अवेलेबल है, नई नई टेक्निक आ रही है, उन सब से हमारे स्टूडेंट्स को ठीक से रूबरू करने की जरूरत है, और जब ये थोड़ा कम हो जाए तब फिर आमने सामने उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब के लिए भी किया जाना चाहिए। मैंने तो सरकार को ये भी सुझाव दिया है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक कॉलेज में या हर जिले के स्तर पर आसपास के जो भी टीचर्स हैं, जो इस
टेक्निक के फ्रेंडली नहीं है, उनको ट्रेन करने के लिए समय समय पर कुछ शिविर लगाए जाए, उनको ओरिएंट किया जाए, उनको ये सब चीजें समझाई जाए और इन सब वातावरण को एक अच्छा बनाया जाए ताकि सही मायने में इफेक्टिव टीचिंग हो सके और स्टूडेंट का उसको लाभ मिल सके। ये सब चीजें अपन को करने की जरूरत है। कोरोना के इस महामारी के समय में हम सब टीचर्स का ये भी दायित्व है कि अपन दूरी बनाए रखने, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को मैं ठीक नहीं मानता हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग। और फिजिकल का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार हो गया उससे मुंह फेर ले, जरूरत है कि अपन ये बीमारी ऐसे फैलती है उसका तो जरूर ध्यान रखें, लेकिन मन से उसको तसल्ली दिलाएं। ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो सारे घर वाले उसको छोड़ छाड़ के सब चले गए, बात भी नहीं करना चाहते, जैसे टेलीफोन से बात करने में भी कोरोना लग जाएगा। ये सब भी अपन को करने की जरूरत है। सभी अपने स्टूडेंट्स को और अपन सबको भी मास्क लगाना कंपलसरी करना चाहिए, नो मास्क नो एंट्री। मैं कुछ दिन से ये सोच रहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी का कल मैंने पढ़ा, उन्होंने भी यही एक आह्वान किया, नो मास्क नो एंट्री। जब तक कोरोना का इफेक्ट है तब तक सभी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, बिना मास्क के कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक, कोई भी स्टूडेंट के एंट्री पे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना को फैलाव को अपन रोक सकते हैं। और सैनिटाइज, बार बार हाथ धोना, ये सब तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे पुराने समय में भी थी, अब भी इनको वापस। और घर की सब चीजें, मेरा ये मानना है कि इसकी कोई अभी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं आई है, तो वही घर की पुरानी चीजें, हल्दी, अपनी अदरक, अपनी काली मिर्च, अपनी दालचीनी, या घरों में जो तुलसी का पौधा है तुलसी, इन सब चीजों का सेवन, गर्म पानी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। घर का खाना, साफ खाना, स्वस्थ वातावरण, और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दूर रहने की कोशिश करना। सरकार समय समय पर प्रयास करती है बहुत सारे निर्देश देने की, उन सब की पालना सुनिश्चित करना भी अपना अपनी जिम्मेदारी है। और टीचर होने के नाते अपन को इस बात को स्टूडेंट के माध्यम से सब घरों घरों तक पहुंचानी है। मैं एक बार पुनः हमारे जो भी अतिथिगण आज इस गोष्ठी के साथ जुड़े हैं, उनका इस विश्वविद्यालय की तरफ से, ये कॉलेज विश्वविद्यालय का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस शिक्षण संस्थान का मुखिया होने के नाते। और पुणे जीडी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल सुनीता जी, रचना जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस परीक्षा के दौरान भी, संकट की घड़ी में भी, एक अच्छी वेबिनार और अच्छे समसामयिक विषय पर आयोजित की। मेरा ये आह्वान है, जो भी शिक्षक साथी सुन रहे हैं, सबको अपने अपने शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न विषयों पर समय समय पर इस तरह की गोष्ठियां, वेबिनार करने चाहिए। इससे विचारों का आदान प्रदान होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे भी चर्चाएं करनी चाहिए, सुझाव भेजने चाहिए। आने वाली 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी सब जगह इस तरह की गोष्ठियां होनी चाहिए कि गांधी जी के विचार आज भी सामयिक हैं। इस तरह की चर्चाएं होंगी तो निश्चित रूप से समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, मुझे जुड़ने का अवसर मिला सब साथियों के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति महोदय। और सर, मैं कहना चाहूंगी कि महाविद्यालय में आपका हमेशा स्वागत है। आप शुरू में कह रहे थे कि ये वेब संगोष्ठी के माध्यम से होता है कि हम एक जगह नहीं मिलते हैं, महाविद्यालय हमेशा तत्पर है आपके स्वागत के लिए। सर, थैंक यू फॉर गिविंग सच ए वंडरफुल हेड स्टार्ट टू टुडेज सेलिब्रेशन। इट हैज सर्टेनली सेट द बॉल रोलिंग। एंड बिफोर आई इनवाइट आवर फर्स्ट स्पीकर ऑफ द डे, डॉक्टर अरविंद नवले, आई वुड जस्ट लाइक टू delve just फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन द टॉपिक एंड सम ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव चोजन। For instance, we've chosen the word paradigm, sir, and the new normal. Actually, paradigm shifts happen when a society or a community as a whole accepts and practices the changes it brings. And I think in the current situation, which is induced by the pandemic, we have accepted the changes
and we are practicing them as well. Of course, I'm talking about the teaching learning methodology. So we have already, some of us have already become adept in this new method of teaching learning. And now we go to the session of deliberation. Dr. Arvind Navle, with 23 years of teaching experience at senior level, Dr. Arvind Navle has authored, co-authored, edited, and translated as many as 45 books. 24 papers have been presented by him, and his 30 books are subscribed in international universities. He has been member in Board of Studies of SRTM University, Nanded. Sir, we feel privileged to have you as one of our expert speakers. And now I invite you for your deliberation. You are going to, I think, talk about how this pandemic has impacted the higher education scenario. Welcome, sir. Unmute kar dena, sir. Am I audible now? Am I audible? Honorable, yes, sir. Honorable Vice Chancellor, who has virtually inaugurated this national webinar and who has given such a wonderful inaugural talk, Dr. J.P. Yadavji, the organizer and principal, Dr. R.G. Minaji, the convener and IQSH coordinator, Dr. Sunita Ji Yadav, my co-panelist, Dr. Jitendra Ji Soni, and Dr. Kusum Ji Yadav, my friend, Dr. Sarita Jain, the faculties of Department of English, Vanita Ji Goyal, the members of IQC and the organizing committee of the webinar, of the national webinar on higher education scenario and its paradigms in the new normals, organized by Gauri Devi Government College for Women, Alwar, Rajasthan. The Zoom participants and viewers on YouTube live streaming. A good morning to one and all. The topic allocated to me is Indian higher education during COVID-19 and thereafter. And in this direction, I'm supposed to cover the impact of COVID-19 on Indian higher education, the challenges, threats, and opportunities posed by COVID-19 before higher education sector and its prospects in the new normals. The term new normal means a new way of living in such an unpredictable situation, accepting abnormal, unusual things as normal and usual. Man is a social animal. To live in lockdown, social distancing, without interacting people around, online teaching, were unusual for us, but we have no alternative to accept it. This is called a new normal. As long as the world has not found a cure or a vaccine for COVID-19 till that, whatever found is still not authenticated or approved by WHO or not reached to us, in such situation, we have to adjust to a new normal, that is a new way of living and going about our lives, work, and interactions with other people. We have to learn to adapt our lifestyles to live with crisis and cope up with the current situation rather than lamenting and try to spin this crisis into an opportunity. Friends, since when the World Health Organization declared COVID-19 to be a pandemic and a public health emergency during last 5 to 6 months, as we all have witnessed and realized that this pandemic has changed the entire world order and made a global historical divide, that is a pre-corona world and the post-corona world. The COVID-19 crisis and the resulting lockdowns have affected nearly every sector of the global economy. But some sectors have been overturned.
One of them is travel and tourism, and another obviously is the education. As like school education, higher education institutes, including universities, colleges, are impacted at a larger degree. By mid-March, mostly, these have all been shut. Classes have been suspended. Examination, research work, and almost all laboratory experiments have been forced to hit the pause button. Students everywhere are found in bitter predicament, facing an uncertain present and an equal uncertain future. Students have gone home, and almost all academics have to work from home. According to a report of UNESCO, the COVID-19 pandemic has created the largest disruption of education system in the history. More than 157 crore students across 191 countries severely impacted by closure of educational institutions. Closures of schools and other learning spaces have impacted 94% of the world's student population. As many as 100 countries have yet to announce a date for school or the university and the college to reopen across the world. In India, over 32 crore students impacted by COVID-19 as schools and colleges are shut. The COVID-19 pandemic has shocked the world. It has stormed through the global economy, grinding almost all activities of educational industry to a halt, affecting it on various grounds. The higher education sector faces its unique challenges that are sure to linger for quite some time. Even after the current lockdown is lifted across the world, and as long as the norm of social distancing is in effect, universities and colleges have been forced to cancel classes and close the doors of campuses in response to the growing outbreak of coronavirus. The pressure on students, teachers, principals, vice chancellors, and the other authorities of the higher education institutes is high. Admissions for the upcoming academic year are fraught with confusion. The coronavirus has reached in the colleges and university campuses too. Educational institutes require assembly of students in classroom, libraries, laboratories, in hostels, all of which contribute to a peer learning. The fear of infection has wrecked this institution for now, as universities and colleges closed down campuses, vacated hostels, deferred admissions, and scrambled to go online with faculty lectures. Usually, this is the time young students write entrance examinations, consider which college to apply to in India or in abroad, but the rapid spread of the coronavirus outbreak, national lockdown, have created uncertainty regarding the implications of higher education. The exams, except last year, are cancelled, and average marks getting are allocated to them on their last semester performance. Last year, UG and PG students' examination are being conducted in next month after 6 months delay in acute risk and fear. The whole timetable, schedule, admission process are collapsible. A large number of Indian students, second only to China, enroll in universities abroad, especially in countries worst affected by the pandemic like US, UK, Australia, and China. As per the report, India is the second largest source of international students in the world. Many such students have now been barred from leaving their countries due to travel restrictions and health risks. If the situation persists, in the long run, a decline in the demand for international higher education is obvious. Research has been affected in a negative way. In many cases where secondary data are needed, the students cannot visit the sources like institution itself
offices and libraries, as all data are not available online. Similarly, primary data collection has also stopped since visiting sources are forbidden, and hence research is severely hampered. In the lab-based subjects, research is totally cut off. COVID-19 has left the research community on a knife edge for the entire academic year. As a result of the sudden closure of universities, research scholars have had to go back to their home where they do not have access to data, scholarly articles, or other basic facilities. Researchers in different areas of field studies and those who are working experimentally in the laboratories are also in a state of uncertainty and confusion due to travel restrictions. Those whose YMOC was due too suffered a lot. The outbreak of COVID-19 has led to many colleges in India to stop placements and even the cash promotions of college and university teachers, which are due since last 6 months. COVID-19 has caused a great deal of uncertainty in higher education. Students don't know if the campuses would open or if they would need to continue studying online. If online, then what would the experience be like? They had to return to campuses, then how would social distancing disfigure their experience? Would they be at risk of catching the virus? The list of questions and concerns goes on. Sadly, there are more questions than answers at this point. COVID-19 has struck our education system like a lightning bolt and second it to its core. We have to develop a different kind of educational model to emerge from COVID-19. The pandemic has pushed the world to considerably reinvent ways of coping with the new normal. It is difficult to understand whether the short or long-term impact and future measures of this pandemic. As far as higher education is concerned, can India emerge from this crisis with a refreshed perspective and boost to higher education? This is the question. Higher education in India has indeed been in dire need of new directions. But the continued increase in the COVID-19 cases had added to these and also given a new direction to the challenges themselves. Although the University Grant Commission has and many universities have quickly decided to conduct classes and examinations online, its implementation in the country is not an easy task, as institutions are forced under the current circumstances to go digital. They must have required experience and develop the infrastructure to make the transition much more rapidly than they would have otherwise done. However, in countries like India, internet connectivity continues to remain a major problem for many students, particularly outside urban areas. The digital divide is intimately connected to social, economic inequalities in access to infrastructure and resources. It remains to be seen whether these trends bring down or strengthen the inequality in access to higher education in India. When massive businesses have already moved from offline to online in the pre-COVID era, why higher education hasn't moved to online? As per a survey conducted by Times Higher Education in 2018, the leaders of well-known global universities were of the opinion that online teaching would never match with the physical room teaching. When we talk about how equipped the Indian higher education system to handle the change, we need to keep in mind that the digital shift in India is relatively new, not only in India, but in Asia as well. Here, every discipline faces distinct challenges when it comes to online learning. Courses, which have always been a laboratory component, will need a redesign. Compared to urban students, rural students might face more challenges when the traditional method of living, learning give way to new methods and techniques. The aim of education is the transfer of knowledge. How will such knowledge transfer can take place, particularly in residential programs in the context of social distancing? Students don't find remote learning as gratifying as in-person
our in-class instruction and are hesitant about remote learning in higher education. Even though the country has been adapting to the new age learning, but there still lies many obstacles in making the endeavors successful. What still remains intact is that only 44 crore people of our total population of the country have access to the internet and thus obviously to e-learning. The people residing in rural areas are still very much deprived of the latest advancement and therefore hampering the cause of online learning. And that's where we lag behind, as India is not fully equipped to make education reach all corners of the nation via digital platforms or online classroom. The situation who the students who aren't privileged like the others will be held back. The science, education and research, where laboratories and close interaction play an important role, it is obvious that online teaching is hardly an option for them. Education is a process of co-creating values, skills and knowledge. And online education is limited to its potential for facilitating this cooperation, especially in countries like India, which is characterized by a high level of social, economic and gender inequalities. The alarming digital divide that exists in India is a fundamental problem. Delivering technology-based resources to economy-backward communities and remote rural population is a big challenge. When half of the Indian population will suffer from extreme poverty and is most vulnerable to the pandemic, how can we expect these poor parents to provide online learning for their children? Online teaching would further widen the gap between the have-haves and have-nots. The pandemic has made different levels of beneficiaries of education. The urban rich get all the benefits of online education. The middle class partially enjoy the benefit, while the rural, poor, and backward have to deal with connectivity issues, both electricity and the internet, and the most affected backward communities are not even aware of the technological advancements and the possibility of online learning. Can we convert these challenges into opportunity? This is also an important question, and we must have to ponder over it. There is an opportunity to rethink and restructure the traditional educational system now. The pandemic can prove as a great leveler in a way, giving all stakeholders, that is educators, learners, policymakers, and society at large, a better understanding of vulnerabilities and shortcomings of our current educational system. The Government of India and Ministry of Education should have to develop a multi-pronged strategy to manage the crisis and build a resilient Indian education system in in a long term. The corona pandemic can be taken as a catalyst for the educational institutes to grow and opt for new platforms and techniques they haven't used before. The time are changing and the theories have always pointed out toward the survival of the fittest. Surviving these crises with a different approach and digitalizing the sector are the two elements which will get the industry through a storm and wash away the blues of the pandemics. Open source digital learning solutions and learning management software should be adopted so teacher can conduct teaching online at ease. In this time of crisis, a well-rounded and effective educational practice is a need for the capacity building of young minds. It will develop skills that will drive their employability, productivity, health, and well-being in the decades to come and ensure the overall progress of the nation. Online classes have been thrust upon all sorts of institutions, largely because there seem to be few options or no option, but the experiences so far has been very, very mixed. Government should formulate policies to meet the present
and the future of the education with regards to the pandemic from academics and non-academics cutting across disciplines and geographical boundaries. Right now, video conferencing apps like Zoom, Google Meet, WebEx, and so on are providing us a lifeline. But it is like a first-year solution or just a baby step experiment in the long journey of offering online education. Universities should develop or tie up with a standard LMS, a para infrastructure like IGNU is needed. If you visit IGNU website, you will see their core values like flexibility, openness, affordability, inclusiveness, and the promise of lifelong learning therein. This model has been imitated or followed by many other universities in India. Some other renowned universities in India, such as University of Delhi, are offering online classes to students already with the standard. But many other higher education institutes in India are not equipped with such facilities. Other universities too should have to set up such para system, para infrastructure to add standard in online instruction in such moments of the crisis. Multidisciplinary and modular pedagogy that afford transferable skills and customized learning as well as a blend of e-learning and mainstream face-to-face teaching would yield good result, what I think so. Online higher education like MOOCs, that is massive open online courses, platforms like Swayam should be strengthened. Blending classroom with online learning would prove a good option. A great opportunity will open up for those companies that have been developing and strengthening learning management system, that is LMS, for use by universities and colleges. We have to utilize these opportunities and make provision to cope up with our hurdles. Developing robust online platforms has become necessary to offer community in learning. Yet in developing countries like India, with vast disparity in socio-economical background of students and the quality of educational institutes, the shift has not been so easy. Good teachers, refreshed curricula, and effective tools can ensure students stay involved and active in the learning process. Higher education institutions may need to reevaluate their models, including how they enroll, how they educate students. Colleges should ensure that they have reliable technology in place and that their workflows are optimized to handle new ways of learning and interacting with students. Colleges should also focus on students' retention. They should have to provide financial aid to economically weaker students so they can remain full-time online. They can attend online courses. Government also should provide financial aids to universities, colleges, as well as to the backward class and poor students to implement and access online education. University BOSs, that is Board of Trade, should design the curriculum and MCQ-like question paper patterns to ensure that their programs are able to be supported for online instruction as well as examination and assessments. Innovative new forms of collaboration and alternative paradigms are needed to drive learning, research, and teaching. Sharing of knowledge between institutions globally through joint teaching, virtual guest lectures, etc., could give students an enriched global perspective in this difficult time. Of course, even in the post-COVID-19 era, offline or conventional education models will not become outdated. They will survive, obviously. However, blended learning, a combination of classroom and online modes, will be successful in the present crisis, the present pandemic. Institutions and teachers will blend the two thoughtfully according to the context and the content. There is no doubt that laboratory courses are essential in some discipline. For this, instructions can be given in the blended mode, theoretical portions online, while the laboratory part can be provided to students on campus, but in small groups. Purely theoretical courses can go completely online. While online learning, the way to go, universities and colleges
should also ensure students and staff are protected while in campus. Administrators should undertake simple measures to prevent the spread of disease or on their campuses. Further, it is also important to establish quality assurance mechanism and quality benchmarks for online learning developed and offered. Offering training on educational technology for both faculty and student is must. Adjustments to the academic calendar and timetables in order to cover curricula in limited online classes too is must. Reconfiguration of halls and the classroom size to minimize health risk too is needed. Making educational institutes to adopt online learning and infuse the virtual study culture, this pandemic has already steered this higher education sector forward with the technological innovations and advancements. Universities and colleges will have to shift to a model of blended learning where both face-to-face delivery along with an online model will become a standard. Parents too can play a significant role in the environment and virtual learning. It is important for both parents and students to undergo change in mindset. Parents must encourage their children to take the online classes seriously, and there should be a proper schedule of activities. There will be several challenges in the journey for both the learners and educators, but if done right, the current challenges will lead to a better model. Every setback should have to be taken as an opportunity for change. Then we all can rewrite the future of higher education of our country for the better. I am sure that the quality educators of our country will set the ways through which our higher education will move forward from this or any crisis in the future. Thank you. Thanks, the organizing committee, for inviting me. Thanks, my other resource persons, participants. Thanks, Honorable Vice Chancellor, who remain present and who has listened to me. Thanks to the all online participants who are accessing this event through Zoom and also through YouTube live streaming. I would be very happy to interact with participants and address their questions, if any, now also or at the end after rest talks as per the schedule or the host says to me. Thanks once again to one and all. Thank you. Thank you, Dr. Arvind, for putting this important and contemporary aspect of COVID-19 and how it impacts higher education in perspective. We have definitely benefited from the highlights of your deliberation. I feel elated to now invite. Ma'am, keep mice close. Your voice is, keep mic close. Your voice is not so clear. I feel elated to now invite and welcome Dr. Kusum R. Yadav, Head, H.R. Patel English Medium B.Ed. College, Gandhinagar, Gujarat, and also an alumni of our college, to share with us the good and bad of blended education. She's a highly literary person with an impressive oeuvre of literary achievements, with masters in three varied subjects, including English, chemistry, and education. Has published a number of books. Many research papers go to her credit, both read and published nationally as well as internationally. So we turn to her now for her perspective on higher education. Over to you, Kusum ma'am. Thank you, Sonika ma'am. Am I audible to everyone? Am I audible, Sonika ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon to one and all. Honorable Vice Chancellor, sir, Dr. J.P. Yadav, sir. Respected Principal Sir, Dr. R.G. Meena Sir, Convener, IQAC, and for this webinar, Dr. Sunita Yadav,
my fellow resource persons, Dr. Arvind Nawale, Dr. Jitendra sir, and all the faculty members, student scholars, research scholars, and all the participants who are joining in this webinar through Zoom. Friends, outbreak of this COVID-19 pandemic has put the world of higher education in India as well as worldwide under great pressure. This crisis has forced higher education institutions to swiftly change their status, their ways of working, and their environments from traditional to online. And this has become a new normal in the current scenario. Friends, for the some institutions using virtual tools, it was already in their blood. But for others, it was rather unexplored territory. Despite the institution's immediate adaptations to online teaching, so far, universities have been operating in emergency remote teaching mode to minimize the disruptions, rather than fully embracing the online education. It is therefore important to explore how online teaching and blended learning will help higher education institutions in the coming years ahead to ensure that high quality education is maintained. Therefore, this national webinar organized by GD Government College Alwar, Rajasthan is of paramount importance as well as the need of the hour. I must congratulate the Vice Chancellor, Dr. J.P. Yadav sir, Principal, Dr. Raji Meena sir, Convener, Dr. Sunita Yadav ma'am, Rachna ma'am, and Dr. Sarita Jain, good friend of mine, who gave me opportunity to share my views on the blending of online methods and traditional methods in new normal.